अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मुराशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज फ्राइडे का दिन है और इस जुमा के दिन फेसबुक पर एक नई गजल आई है फहीम अख्तर साहब की। मैं जो लंदन में मुकीम है, उनकी एक नई गजल आपके सामने मैं पेश करने की जरूरत कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उनकी ये गजल यकीनन पसंद आएगी। बेहतरीन कॉलम निगार हैं और बहुत ही पसंदीदा हैं, फेसबुक में बहुत ही मशहूर है और आप सब लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए लेकर के आया हूँ, उन लोगों के लिए जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते हैं वो ऑलरेडी इस गजल को पढ़ चुके होंगे। और तो पेश खिदमत है उन लोगों के लिए जो लोग उर्दू से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते। मैं उनके लिए पढ़ता हूँ। तो पेश खिदमत है उनकी एक नई गजल। एक उम्मीद पे बसर कीजिए, एक उम्मीद पे बसर कीजिए, जिंदगी को न बेअसर कीजिए, जिंदगी को न बेअसर कीजिए, एक उम्मीद पे बसर कीजिए, जिंदगी को न बेअसर कीजिए, मेरा गुलशन उजाड़ कर लोगो, मेरा गुलशन उजाड़ कर लोगो, मेरी खातिर न कोई घर कीजिए, मेरी खातिर न कोई घर कीजिए, इश्क में भी सकून जब न मिले, इश्क में भी सकून जब न मिले, इश्क में भी सकून जब न मिले, उम्र किस हाल में बसर कीजिए, उम्र किस हाल में बसर कीजिए, इश्क में भी सकून जब न मिले, उम्र किस हाल में बसर कीजिए, मेरे हाथों में कोई तेग नहीं, मेरे हाथों में कोई तेग नहीं, मुझको इस तरह ना सिपर कीजिए, मुझको इस तरह ना सिपर कीजिए, अगर मेरा जुर्म इश्क ही ठहरा, अगर मेरा जुर्म इश्क ही ठहरा, तो सजा है कि दर बदर कीजिए, तो सजा है कि दर बदर कीजिए, अभी जीने दो इस फहीम को और, अभी जीने दो इस फहीम को और, अभी उसको न हम सफर कीजिए, अभी उसको न हम सफर कीजिए। तो दोस्तों, अभी आप ऐसे राशिद की अदबी दुनिया में आज जुमे के दिन फेसबुक में आने वाली ये गजल मैं उन लोगों के लिए मैंने पढ़ा है जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते लेकिन उर्दू से मोहब्बत करते हैं। तो बताइए दोस्तों, आपको यह गजल कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एस एम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।